कि इस मुल्क का काम किसी भी झुमका बाबा के बिना चल सकता है, इस मुल्क का काम किसी भी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बिना चल सकता है। अगर इस मुल्क का काम किसी बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप सोच रहे हो कि मुसलमानों की पहचान के नाम पर जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो बचे रह जाएंगे तो गलत सोच रहे हो। कल को वो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कहेंगे अपने माथे पर तुम्हें अपनी जात का नाम चिपकाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से बिहार से, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को मिटाने की कोशिश की गई है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। और मैं जो खतरा महसूस कर रहा हूं, यह बात सच है कि यह चुनाव संविधान की तरफ मुड़ा, यह बात सच है कि यह चुनाव समता, न्याय, बराबरी, बंधुत्व की तरफ मुड़ा, लेकिन इस चुनाव में जो मैं खतरा देख पा रहा हूं उस खतरे से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। जिस तरीके से, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करने के लिए बैठे हैं, हम प्रतिनिधित्व की बात करने के लिए बैठे हैं, तो आप गौर कीजिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से बिहार से, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को मिटाने की कोशिश की गई है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। अगर आपको किसी दंगाई का मुकाबला करने के लिए, अगर आपको हमको किसी फसादी का मुकाबला करने के लिए, अगर हमको आपको किसी संविधान विरोधी का मुकाबला करने के लिए संविधान का ही विरोध करना पड़ जाए, फसाद के पक्ष में खड़ा हो जाना पड़े, दंगाइयों के पक्ष में खड़ा हो जाना पड़े, तो फिर हम में और आप में कोई फर्क बचेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम उन मुद्दों की पहचान करें जिन मुद्दों के दम पर हम और आप एक हो सकते हैं। हम उन लोगों की पहचान करें जिनके साथ ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। इस संसद में और लोगों की जरूरत है, और वो लोग कौन होंगे ये हम और आप मिलकर तय करें। तय करें कि विधानसभाओं में बैठने वाले लोग कौन होंगे। आज मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का काम किसी भी झुमका बाबा बिना चल सकता है, इस मुल्क का काम किसी भी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बिना चल सकता है। अगर इस मुल्क का काम किसी बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क से तमाम बाबाओं का नामो निशान मिटाने की जरूरत है। कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में हमने संविधान को लहराते देखा, पहली बार हमने सामाजिक न्याय को केंद्रीय मुद्दा बनते देखा, पहली बार हमने देखा कि कोई चुनाव आदमी और आदमी की बराबरी के नाम पर लड़ा जा रहा है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन इससे आगे का सवाल है कि क्या इसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए? क्या हमने वो सब हासिल कर लिया है जो किसी भी चुनाव से हम हासिल करने की उम्मीद करते हैं? क्या हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर पाएंगे कि किसी इंदर मेघवाल को मारा नहीं जाएगा, किसी पायल तड़वी को मारा नहीं जाएगा, किसी रोहित विमला को लटकाया नहीं जाएगा? और अगर ये उम्मीद हमारे दिलों में नहीं है तो ये लड़ाई अभी बाकी है, और ये लड़ाई उस रोज तक चलेगी जिस रोज तक एक भी आदमी को, एक भी औरत को, एक भी बच्चे को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। हम कास्ट सेंसस की बात करने बैठे हैं, हम सोचने बैठे हैं कि हमारा रास्ता क्या हो। और आज के अखबार में खबर है कि एनसीईआरटी ने छठे क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उससे कास्ट को हटा दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जातीय उत्पीड़न हुआ है, ये अब छठी क्लास के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा।
तो क्या ये अचानक हुआ? अभी जो मुजफ्फरनगर में, शामली में, सहारनपुर में, उत्तराखंड के इलाकों में जो आदेश जारी हुआ कि सबको अपने नामों की चिप्पियां चिपकानी होगी, आपके यहां जो कामगार काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, जो खानसामे काम करते हैं, बावर्ची काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, उनका नाम लिखना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या वाकई इसके पीछे मुसलमानों की पहचान कोई वजह है या सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि मुसलमानों को तो वो ऐसे ही काट डाल रहे हैं, ऐसे ही मार डाल रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों को पहचानने की जरूरत नहीं है, उनका नाम पूछने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने इस मुल्क में कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाई, अपना नाम नहीं छुपाया, अपनी उपासना पद्धति नहीं छुपाई, तो फिर वो किसकी पहचान करना चाहते हैं, किसका नाम जानना चाहते हैं, किसका गोत्र जानना चाहते हैं? और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मुसलमानों की पहचान के नाम पर जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो बचे रह जाएंगे, तो गलत सोच रहे हो। कल को वो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कहेंगे, अपने माथे पर तुम्हें अपनी जात का नाम चिपकाना पड़ेगा। ये पहचान क्यों पूछी जा रही है, क्यों पूछा जा रहा है? कि आपको अपना कौम बताना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा, अपना ईमान बताना पड़ेगा। ये इसलिए हुआ है कि इस चुनाव में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बना। यह इसलिए हुआ है कि कास्ट सेंसस को, जातीय जनगणना को आपकी सात पुश्तें अब टाल नहीं सकती है। इसलिए वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से जानना चाहते हैं उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम लोगों की पहचान जो संविधान के हक में खड़े हैं, जो बराबरी के हक में खड़े हैं, जो समता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के हक में खड़े हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई को थोड़ा और बड़ा किया जाए, अपने दिनों को थोड़ा और बड़ा किया जाए, और इसलिए बड़ा किया जाए कि परिवार जितना बड़ा होता है उतना मजबूत होता है, उतना ताकतवर होता है, उसकी हैसियत उतनी बड़ी होती है। तो छोटे छोटे खत्तों में बट के हम कोई भी बड़ी लड़ाई को किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक, किसी तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि बाबा साहब को हम रख लेते हैं, सरदार पटेल को आप रख लो, संत राम बीए प्रजापति को वो रख लें, तो ये लड़ाई किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने वाली नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए जरूरी है कि जरा अपनी खिड़कियां खोलें, अपने दरवाजे खोलें, और उन सबसे ज्यादा अपनी नजर, अपना नजरिया, अपना दिल खोलें। जरा सोच कर देखिए कि जिनको इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जिनका शिकार किया जा रहा है वो कौन लोग हैं? वो हमारी और आपकी तरह के लोग हैं, हमारे और आपके बीच से आए हुए लोग हैं। कोई दर्जी का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई खेतों में पानी पटाने का काम करता है, कोई चूहा मारकर खाता है। उनको अपने साथ छोड़ने की जरूरत है।